नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो आपके रेलवे एग्जाम में 45 नंबर के पूछे जाएंगे। और दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप 45 में 45 टोटल नंबर पाए। दोस्तों एक क्रैश कोर्स का पांचवा पार्ट है, इसमें उन्हीं प्रश्नों की दोस्तों मैं चर्चा किया हूँ जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आप ऑन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, वहां पे मेरी सारी वीडियोस का आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, ऑन अकेडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। और आप कमेंट करके भी बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाल मृदा वर्ण यानी कि रेड सॉयल कलर किसके कारण होता है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लौह यौगिक के कारण रेड सॉयल कलर होता है। इसे याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, तो इनमें से क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, आपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गैस मिश्रित ठोस। किस प्रकार का मिश्रण है? गैस मिश्रित ठोस, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करता है। तो इसमें चार आपको ऑप्शन दिया गया है, सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम सल्फेट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट है। कौन है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, वे कौन से तत्व हैं जो कक्ष तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर और मानक दाब यानी कि स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, पर द्रव है, ठीक है? तो इसमें से कौन है? तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पारा है, दूसरा एक्ट है और एक कौन है? ब्रोमीन है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, चौथा किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पारा और ब्रोमीन, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया की। कहां की गरुड़ एयरलाइन सेवा है? तो इंडोनेशिया की है, इसे भी याद रखेंगे। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, चीन है। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न है, विवादित अलमाटी बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। विवादित अलमाटी बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो कृष्णा नदी पर, इसे भी याद रखेंगे। नौवां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। कहाँ है? विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और क्या है विक्टोरिया? क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यह भी याद रखेंगे। विक्टोरिया क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और एक और प्रश्न आता है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आंसर हो जाएगा, नील नदी। सबसे लंबी नदी भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, नील नदी। और विक्टोरिया क्या है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? विक्टोरिया है। ये तीनों प्रश्न याद रखेंगे, तीनों प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेट पर्वत शिखर किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, भारत में है। कहां है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, गाम्बिया के मुद्रा का नाम क्या है? गाम्बिया के मुद्रा का नाम
क्या है? तो गाम्बिया के मुद्रा का नाम क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। तो गाम्बिया के मुद्रा का नाम डालासी है। क्या है? डालासी। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, डालासी लिखा है लेकिन डालासी है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और गाम्बिया कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो पश्चिम अफ्रीका में है गाम्बिया, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। और गाम्बिया की राजधानी कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो गाम्बिया की राजधानी वाजुल है। क्या है? वाजुल है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी से संबंधित कुछ और जान लीजिए दोस्तों, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न आता है किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, चार मिट्टी का नाम दे दिया जाता है जिसमें रेगुर ऑप्शन में रहता है, तो रेगुर मिट्टी आपका सही हो जाएगा। और देखिए, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, रेगुर मिट्टी में क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि अनुकूल है, अच्छा है। तो किस खेती, काली मिट्टी कहें या रेगुर मिट्टी कहें, बात एक ही है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, तो रेगुर मिट्टी, यह भी याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, दो बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 1996 ईस्वी में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1951 ईस्वी में आर्थिक नियोजन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, लाइन्समैन एवं फ्लाइट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चार खेल का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, बैडमिंटन से। दोस्तों, एक रेलवे के लिए ई बुक लॉन्च की गई है, एल बुक पब्लिशर ने की है, उस ई बुक के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, एल बुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई हुई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों, ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एल बुक पब्लिशर ने इस बुक की कीमत 100 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे ये बुक आपको मात्र 30 रुपये में मिलेगी। और इस बुक में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको इतने कम दिनों में अच्छे से आप इसको प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। और किस किस सब्जेक्ट से हैं दोस्तों, इसमें साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, ये आप कहां से ले सकते हैं, तो इसका दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप कहीं से भी दोस्तों इसे मात्र 30 रुपये में ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आती है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा नंबर नहीं है, एल बुक पब्लिशर का नंबर है, आप इस पर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई बुक है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके जीमेल अकाउंट पे जाएगा दोस्तों, और वहीं से आप इसे पढ़ेंगे। जीमेल अकाउंट पे इसका पासवर्ड भी जाएगा दोस्तों, और ईबुक की पीडीएफ भी जाएगी, तो आप इसे वहीं से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, एक 21वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया, ठीक है, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया, कहाँ से आरंभ किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से? तो नागौर जिला से, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न क्या है, अक्टूबर 1995 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया, तो कहाँ से? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से? तो नागौर जिला से, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें
कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है कहवा की क्षेत्र सर्वाधिक? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यह भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सिंधु नदी के दाएं तट पर। क्या याद रखेंगे? सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है, इसे भी याद रखेंगे। पूछा गया यह भी प्रश्न है। सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को सभी को याद रखेंगे। 24वां प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, 25वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है यानी आपको बताना है बिक्री कर क्या है, यह अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क क्या है, यह भी अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर क्या है, यह भी अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन जो उपहार कर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये क्या है, यह प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह क्या है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलम पर्यटन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल में, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है प्रश्न, अग्निवीणा किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, काजी नजरुल इस्लाम की। अग्निवीणा किसकी रचना है, तो काजी नजरुल इस्लाम की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जमुना परी किस पशु का नाम है, यानी कि किसकी यह नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसका आंसर जरूर याद रखेंगे, जमुना परी किस पशु की नस्ल है, तो बकरी की ये नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसे भी याद रखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से संबंधित है? तो किस में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत बार रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपसा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर देखिए, 32 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, मिलिंद पन्हो नामक चर्चित ग्रंथ किस भाषा में है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो किस भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में है, इसे भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नरेशों में सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो किसने पराजित किया, तो आंसर हो जाएगा भीम सेकेंड ने, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? तो किस क्षेत्र से संबंधित था, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, 36 नंबर प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलाय है, तो किसका एलाय है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कापर जिंक और निकेल का एलाय है। किसका एलाय है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, तो कापर जिंक और निकेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है आपका, बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन आपका कह रहा है, यह जल में अधिक विलेय होता है, नहीं, यह जल में विलेय अधिक नहीं होता है, तो पहला कथन ही आपका क्या है, असत्य है। दूसरा कथन भी पढ़ लीजिए, यह पीले रंग का चूर्ण है, यह सही है, यह क्या है, सत्य है। दूसरा, तीसरा कहे, यह एक आक्सी कारक है, यह भी सत्य है। चौथा आपका है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया
क्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी सत्य है। कौन सा असत्य है? तो पहला ऑप्शन जो है यह आपका असत्य है। पहला ऑप्शन क्या है? यह जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन असत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैडमियम या बोरान। इसे भी याद रखेंगे, यह भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बार बार पूछा जाता है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? AgNO3। क्या है? AgNO3। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को डाटा डाट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए ताकि सारे प्रश्न आपको याद रहे, यही सब पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिविटी डॉट 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 का गुण है। तो किसका गुण है रेडियो एक्टिविटी? तो परमाणवीय नाभिक का गुण है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग डॉट 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 में होता है, यानी कि किसमें होता है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग? तो आंसर हो जाएगा रॉकेट तकनीकी में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉट 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 में स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है जीवाणु भोजी क्या है? प्रश्न क्या है जीवाणु भोजी क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है जीवाणु भोजी है। क्या है जीवाणु भोजी? विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच जो है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है? लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और किसके बीच है, ठीक है, यानी किसमें से बताना है। लाइकेन किसके बीच है? एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और किसके बीच लाइकेन होता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और फंगस के बीच लाइकेन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं डेली पढ़िए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब टाइम बहुत कम ही बच गया है ग्रुप डी आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए जितना भी आपको टाइम मिलता है आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन में लगाएंगे ताकि आपको कोई सफलता मिल जाए। इसलिए आप दोस्तों जितना भी खाली समय मिलता है आप प्रिपरेशन में लगाइए ताकि एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर दें। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है आपको, डेली अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और किसी टॉपिक से वीक है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो आपका टॉपिक भी कवर करा दूंगा। वैसे आपके लिए सारे सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूं, मैथ आपको डेली कराता हूं, रीजनिंग और आपके साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सारे। और करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न होते हैं उसको मैं कहां दे देता हूं, टेलीग्राम पे दे देता हूं। और टेलीग्राम का लिंक मैं कहां दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दिया हूं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी होगा आपका पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे मैं देता रहूं। तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी मंथ के आपके करंट अफेयर बनेंगे वो डेली करंट अफेयर दोस्तों अभी मैं नहीं करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों जितने भी मंथ के करंट अफेयर बनेंगे इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं एक बार करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले, ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, बार बार ये भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लवंग। कौन सा है? लवंग। तो ये भी पूछा जाता है कौन सी लवंग क्या है, लवंग क्या है, फल फूल ऐसे दिया जाता है, तो लवंग क्या है? फूल की कली है। इसे भी याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन डॉट 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 ने किया था, जीन पद का चयन किसने किया था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डब्ल्यू जोहानसन ने। किसने किया था? डब्ल्यू जोहानसन ने किया था जीन शब्द का चयन।
नेक्स्ट है डाट 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 यानी कि किसकी उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। किसकी उच्च मात्रा के लिए, तो निकिल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, निकिल। तो यहाँ भरा क्या जाएगा, निकिल की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी डाट 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 से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा, रोग और नाशक जीव से फसल को सुरक्षा के लिए। किसका का क्या संबंध है, प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए। कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी डाट 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 से संबंधित है, किससे संबंधित है, रोग और नाशक जीव से फसल की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां प्रश्न, भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है अति मुलायम खनिज यानी कि टाल मुख्यतः है, तो क्या है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है इसलिए इसे याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मैग्नीशियम सिलिकेट। यहाँ मैग्नीज सिलिकेट पहला दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, मैग्नीशियम सिलिकेट ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक तो दोस्तों जरूर कीजिएगा, और आपके पास जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टडी ग्रुप हो दोस्तों उसमें इस वीडियो को शेयर भी दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे दोस्तों आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।